हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंपैरिजन करेंगे रियलमी सी 11 में और एम आर रेडमी 9A में, और देखते हैं कि दोनों में से कौन सा फ़ोन है बेस्ट आप लोग के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्ले से। तो दोनों फ़ोन की डिस्प्ले सेम है 6.5 इंच की। दोनों फ़ोन का रेजोल्यूशन भी सेम है 720x1600 पिक्सल, और दोनों ही फ़ोनों में IPS LCD डिस्प्ले का यूज़ किया गया है, यानी कि दोनों फ़ोन की डिस्प्ले में ज़्यादा फर्क नहीं है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो रियलमी का है मीडियाटेक का G35 का, CPU है 2.3 GHz ऑक्टाकोर का, और उसमें 12 nm का फिनफैट, और उसका GPU है पावरफुल है 8320 का, और MI का प्रोसेसर है मीडियाटेक का है G25 का, CPU है 2.0 GHz ऑक्टाकोर का, और उसमें 12 nm का फिनफैट, और उसका GPU है पावरफुल है 8320 का। प्रोसेसर के मामले में रियलमी आगे है। बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, दोनों का सेम है Android 10। बात करते हैं बैक कैमरे की, तो रियलमी का है डुअल 13+2 MP का, MI का है सिंगल 13 MP का। तो बैक कैमरे में ज़्यादा अंतर नहीं है। बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, तो दोनों का फ्रंट कैमरे सेम है 5 MP का, यानी कि आपको दोनों फ़ोनों में ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता, सिर्फ नॉर्मल से थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। बात करते हैं बैटरी की, दोनों में बैटरी भी सेम है, 5 mAh की बैटरी है दोनों में, और दोनों में बैटरी स्नोनेबल है, आप दोनों की बैटरी को निकाल सकते। दोनों फ़ोनों में अंतर क्या है यार, तो पता नहीं। बात करते हैं चार्जर की, दोनों में सेम है 10 वाट का चार्जर है, माइक्रोस्पेस सपोर्ट दिया गया है दोनों फ़ोन में, 3.5 दोनों फ़ोन में दिया गया है। बात करते हैं सिम की, तो आप दोनों फ़ोन में दो सिम साथ में एसडी कार्ड डाल सकते हो, ट्रिपल सिम का ऑप्शन दिया गया है। कनेक्टिविटी 2G 3G 4G की दी गई है दोनों फ़ोन में, वारंटी सेम है 1 साल की, फेस अलग दोनों फ़ोन में दिया गया है। बात करते हैं ग्लास की, दोनों में सेम है, गोली लगा है, त्रिपुड़े से बना हुआ है, बैक साइड प्लास्टिक है, फ्रेम भी प्लास्टिक का ही है, और फ्रंट में तो ग्लास ही है। बात करते हैं रैम की, तो दोनों में सेम है 2 GB रैम है। बात करते हैं मेमोरी की, दोनों में सेम है 32 GB की। बात करते हैं प्राइस की, तो रियलमी का प्राइस एक्सपेक्टिव प्राइस 6.5 या 7 के आसपास होगा, और MI का भी यही होगा 6.5 या 7 के आसपास। तो फिर आपको दोनों फोन से कौन से पसंद है कॉम्पिटिव जरूर बताना, आखिर दोनों फोन में अंतर